लखनऊ में ईद उल फित्र जोरों शोरों के साथ मनाई जा रही है। कल हुई अलविदा की नमाज के बाद में इस वक्त ईदगाह की तरफ तमाम जो नमाजी हैं, तमाम जो लोग आप इस समुदाय से हैं, वो आज पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने इंतज़ाम किया है, सुरक्षा का इंतज़ाम है और इस बात के आदेश दिए गए हैं कि नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी। इसके साथ ही साथ जितनी भी इमाम खाने हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, वहाँ पर ये नमाज अदा की जाएगी। और आज के दिन जो है ईद को मनाने के लिए तमाम लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। ऐसे इंतज़ाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखे जा रहे हैं और लखनऊ के ईदगाह पर भी आज नज़ारे ये हैं, जहाँ पर तमाम नमाजी जो है वो पहुँच रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा का घेरा भी बनाया गया है और इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो नमाजी आज पहुँच रहे हैं ईद उल फित्र को मनाने के लिए, उनके लिए भी खास तौर पर इंतज़ाम किए गए हैं। लगातार पिछले दिनों से जिस तरीके के हालात बड़े संवेदनशील हो रहे थे, लेकिन उस बीच सरकार ने खासतौर पर ईद को लेकर के इंतज़ाम किए हैं। कल भी अलविदा की नमाज के तहत शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो वहीं आज ईद के मौके पर भी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो इंतज़ाम है दुरुस्त किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात के आदेश दिए हैं कि सार्वजनिक जगहों पर कोई भी खाद्य कार्य नहीं होगा और इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी आज आजमाइश की और तमाम नमाजी जो है वो आप देखेंगे एक बार फिर से हम आपको दिखाएं कैसे जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक को लेकर के थोड़ी यहाँ दिक्कत हो रही है, लेकिन जो पुलिस के यहाँ पर जवान मौजूद हैं वो यहाँ पर चीज़ों को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्यौहार उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में मनाया जा रहा है और लखनऊ के ईदगाह में भी ईद उल फित्र को मनाने के लिए तमाम नमाजी पहुंच रहे हैं। और कल अलविदा नमाज के बाद आज पूरे हर्षोल्लास के साथ राजधानी लखनऊ में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक।